वेलकम टू मशीन हेल्थ। आज मैं आपके सामने अपनी i20 की सर्विसिंग की वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरी गाड़ी 85,863 किलोमीटर चल चुकी है। इसमें मैंने आज तक कभी भी इंजन फ्लश यूज़ नहीं किया था और कभी भी सिंथेटिक ऑयल यूज़ नहीं किया। तो आज पहली बार मैं मिनरल ऑयल से सिंथेटिक ऑयल की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी गाड़ी में इंजन वाइब्रेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी। तो मैंने डिसाइड किया कि इंजन ऑयल इस बार चेंज करना चाहिए और सिंथेटिक ऑयल की तरफ जाना चाहिए। ये हमारा एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर में पड़ा था 275 रुपीज़ का। और ये है हमारा फ्यूल फिल्टर, जिसे डीजल फिल्टर भी बोलते हैं। ये हमें 1898 का पड़ा था। एंड ये हमारा आ जाता है ऑयल फिल्टर, ये हमें 425 रुपीज़ का पड़ा था, जेन्युइन। और ये हमारा है फ्लश, इसकी MRP थी 539 रुपीज़, पर ये मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा था एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन प्राइस। ये अंदाजन मुझे 300 रुपीज़ का मिल गया था। ये हमारा इंजन ऑयल 5W30, ये पेट्रोल और डीजल दोनों में आ जाता है, API SN प्लस। इसकी प्राइसिंग हमें, इसकी जो MRP है वो है 2698, पर ये मुझे 5 लीटर 2150 रुपये का मिल गया था, तो मेरे को काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया मार्केट में। ऑनलाइन नहीं लिया मैंने कहीं कोई भी प्रोडक्ट, सारे मैंने ऑफलाइन ही लिए मार्केट से, अपनी लोकल मार्केट शॉप से। ये है हमारा कैबिन फिल्टर जो है 569 का, जिसे AC फिल्टर भी कहते हैं। ये हम इंजन फ्लैश यूज़ कर रहे हैं लिक्विड मॉली का। इसको मतलब बिना इंजन ऑयल ड्रेन करे हुए, इंजन ऑयल ड्रेन करने से पहले जितने भी लिक्विड मॉली है वो सारा डाल देना है इंजन में, पूरी की पूरी बॉटल खाली कर देनी है। एंड देन उसके बाद 15 मिनट के लिए आइडल RPM पे इंजन को स्टार्ट रखना है 15 मिनट। इस 15 मिनट तक हमें एक्सीलेटर वगैरह कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी एक्सीलेट नहीं करना। अभी हमारा ऑयल ड्रेन का टाइम आ गया है, जो भी हमने अभी फ्लश किया है। अब 15 मिनट्स तक हमने इंजन स्टार्ट रखा है आइडल स्पीड में। अब हम ड्रेन कर रहे हैं सारी, जितना भी हमारा डर्ट ऑयल था। ये हमारा ऑयल ड्रेन होना शुरू हो चुका है। अब ऑयल फिल्टर को भी रिप्लेस कर देते हैं। ये इंजन ऑयल फिल्टर होता है और इसको हर सर्विस पे रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये रहा हमारा ऑयल फिल्टर जो डर्टी हो चुका है बहुत ज़्यादा। ये हमारा न्यू ऑयल फिल्टर है। अरे फूल के मोटा हो गया भाई, कोई डाइट पे रख रहे हो तुम? इसकी जो पुरानी रबड़ है उसको हमने निकाल लिया है। उसके बाद जो ऑयल फिल्टर में रबड़ आती है न्यू रबड़, उसको हम प्रॉपर इसमें लगा लेंगे। और इसी में फिर जो न्यू वाला ऑयल फिल्टर है उसको भी लगा के इसको टाइट कर देंगे।
और इसी में एक वॉशर भी आता है जो हमारा ड्रेन जहाँ से होता है ना इंजन ऑयल उस जगह पे लगाने के लिए, तो वो कभी भूलिएगा मत, हर बार जब भी सर्विस कराएंगे तो वो वॉशर भी नया लगा दें नीचे जहाँ पे ड्रेनिंग वाला होता है। अब हम एयर फिल्टर चेंज करेंगे, एयर फिल्टर हर 10,000 किलोमीटर में रिप्लेस कर देना चाहिए। ये हमारा पुराना एयर फिल्टर है और नया एयर फिल्टर लग चुका है। एयर फिल्टर रिप्लेस करना काफ़ी इजी होता है, इसे आप खुद भी घर पे कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल टूल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, नॉट इवन स्क्रू ड्राइवर। अब हम इंजन ऑयल डालेंगे 5W30 फुल्ली सिंथेटिक शेल का। इसका जो ये बड़ा वाला बॉक्स है ये 4 लीटर का है और एडिशनल मैंने 1 लीटर का अलग ले रखा है। टोटल इसमें 5.3 आया था, जो इसका यूज़र मैनुअल है उसमें ये मेंशन है कि 5.3 लीटर इंजन ऑयल डालना चाहिए। 300 ml मैं बाद में डाल दूँगा क्योंकि इनके पास था नहीं एक और 1 लीटर वाला। ये हमारा 1 लीटर वाला है। ये हमारा डीजल फिल्टर है जिसे फ्यूल फिल्टर भी कहा जाता है, इसे हर 20,000 किलोमीटर्स पे रिप्लेस किया जाता है। इसकी कॉस्ट 1800 समथिंग। यहाँ हमारा लग जाएगा फ्यूल फिल्टर, ये पूरा खुलेगा उसके बाद इसी के अंदर फ्यूल फिल्टर फिट होगा और पुराना फ्यूल फिल्टर निकाल देंगे। ये निकल गया हमारा, हमारी गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, इसकी सर्विसिंग हो चुकी है और इंजन ऑयल लेवल भी इसका सही है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ ओके है। अब मुझे सिर्फ इसकी क्लीनिंग करवानी बाकी है। मेरी गाड़ी की सर्विसिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक वॉशिंग बाकी है, वॉशिंग भी अभी करवा लेंगे। मेरी गाड़ी का काम ख़त्म हो चुका है, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, मैंने इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर और कैबिन फिल्टर एंड इंजन फ्लश, ये सारी चीज़ें मैंने करवाई। और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने इस बार इंजन ऑयल को अपग्रेड किया, जो मेरा पहले कंपनी सर्विस सेंटर में डालते थे 15W40 शेल का, उसकी जगह मैंने इस बार 5W30 शेल का ही डलवाया है, पर ये सिंथेटिक ऑयल है। और लिटरली मैं सच बता रहा हूँ कि इंजन में स्टार्ट करते ही मेरे को इंजन में जो वाइब्रेशन थी वो मुझे बिल्कुल अलग ही फील हुई, मतलब जो वाइब्रेशन मेरी पहले थी वो वाइब्रेशन बहुत ही मिनिमम सी हो गई है और जो स्मूथनेस है वो पहले जैसी मेरी हो गई, जैसे पहले मेरी न्यू गाड़ी में अप्रॉक्स, न्यू गाड़ी का तो नहीं कह सकता लेकिन हाँ उस जैसी फीलिंग ज़रूर मुझे दे रही है। मैंने इस इंजन ऑयल के बारे में सिर्फ और सिर्फ नेट पे और अपने एक दो फ्रेंड से ही सुना था, तो इस वही सबसे मैं सुन के मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस बार ये वाला इंजन ऑयल ही डलवाऊँ। और आज तक मेरी गाड़ी की हर एक सर्विस कंपनी में होती आई थी, हुंडई की सर्विस, ऑथराइज सर्विस सेंटर में, इस बार मैंने बाहर से खुद से कराने का डिसीजन लिया था।